पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम यहां पर देने जा रहे हैं और लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर का अगला औद्योगिक विकास का जो गलियारा बनने वाला है ये गीडा से लेकर के और बेलघाट और बेलघाट से लेकर के हम लोग इसे आगे तक भुलिया पार तक लेकर के जाने वाले हैं कि पूरा विकास एक तरफ से ले जाकर के हम इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में न जाना पड़े बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर के यहाँ पर आकर के कार्य ढूंढे, इसके लिए इसको एक विकसित क्षेत्र के रूप में तैयार करने के लिए आज हम लोगों ने एक बेहद कार्य योजना तैयार की है। ये लिंक एक्सप्रेस वे भी इसीलिए यहाँ पर किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र के किसानों का कि उन्होंने एक्सप्रेस वे के लिए बड़ी आसानी के साथ गोरखपुर में तो कोई विवाद होने ही नहीं दिया, अंबेडकर नगर में भी कोई विवाद नहीं होने दिया, बहुत आसानी के साथ उन्होंने खेत दिए, जमीन दी और कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का काम किया। आज भाइयों बहनों जब विकास हो रहा है तो विकास की आभा देखने को मिल रही है। आज आपने देखा होगा विकास की सबसे बड़ी कसौटी क्या होती है, जब संकट आता है हर व्यक्ति के सामने जान के लाले पड़ते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ दिखाई देता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि कौन आपका सच्चा हितैषी हो सकता है, इसकी कसौटी की बात जब सामने आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने भी कहीं भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया बल्कि जनता जनार्दन के साथ खड़े होकर के उनके सुख दुख में सहभागी बनकर के उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने का कार्य किया। आपने देखा होगा कोरोना काल खंड के दौरान लगातार चाहे वह फ्री में टेस्ट की बात हो, फ्री में उपचार की बात हो, गरीबों के फ्री में राशन की बात हो या फिर फ्री में टीकाकरण की बात, कितने लोगों ने यहां टीका लगाया है, सब लोग टीका लगा लिए। अच्छा ये प्रिकॉशन डोज कितने लोगों ने लगाया, प्रिकॉशन डोज सभी लोग प्रिकॉशन डोज अपना ले ले, फ्री में लग रहा है 30 सितंबर तक फ्री में लग रहा है, आप जरूर लगाइएगा और इस पूरे कार्यक्रम को सफल करना है क्योंकि ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई है। और भाइयों बहनों जब हम मिलकर के देश की लड़ाई को लड़ते हैं तो उसमें उतनी ही गुना सफलता प्राप्त होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा पूरी दुनिया पस्त हो गई लेकिन भारत मजबूती के साथ डटा हुआ है, काम कर रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य योजना, समय पे सभी प्रकार की कार्य योजना लागू होती है और आज इसलिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाना है तो सभी को मिलकर के कार्य करना होगा, विकास के बारे में सोचना होगा, विकास के कार्यक्रमों के साथ सहभागी बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की जहां जिम्मेदारी है वह वहीं पर अगर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देगा तो उसका लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दिखाई देगा। आगे पिछली सरकारों ने विकास में थोड़ी भी रुचि ली होगी तो 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था। 1990 से लेकर के 2016 तक गोरखपुर खाद कारखाने बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने गोरखपुर में 26 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने को फिर से चलाया है। और इस समय आप गोरखपुर जाते होंगे या रात्रि के समय उधर से निकलते होंगे कितनी चमचमाहट होती है, पूरी आप देखते होंगे पूरा क्षेत्र बिजली से जगमगाता है और उस क्षेत्र में खाद का उत्पादन फिर से गोरखपुर खाद कारखाना प्रारंभ कर दिया है। गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर के बारे में आप सुनते तो थे कि गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें हो रही हैं, लेकिन
उपचार के लिए कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए 95% मौतों को रोका है। कोरोना बीच में नहीं आता तो हम 5% को भी नियंत्रण तक कर चुके होते, और साथ साथ गोरखपुर में एम्स का भी निर्माण हो चुका है। गोरखपुर एम्स भव्य रूप से आप देखते होंगे, एयरपोर्ट के पहले भव्य इमारत जो बनी हुई है वही गोरखपुर एम्स है, जिस एम्स में उपचार के लिए इसके पहले गोरखपुर के लोगों को या पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, आज उसके उपचार की सुविधा गोरखपुर में ही लोगों को प्राप्त हो रही है। गोरखपुर में बिहारी मेडिकल कॉलेज में अच्छी व्यवस्था, गोरखपुर में चिड़ियाघर, गोरखपुर में रामगढ़ ताल, अगर शाम के समय कभी अवसर मिले, यहाँ के काफी लोग हैं जिन्होंने अपने घर बनाए हुए रामगढ़ ताल की ओर, रुस्तमपुर की ओर, आजाद चौक की तरफ जाकर के थोड़ा देखिए कितनी जगमगाहट है, कितना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे आप मुंबई उसके सामने फेल होती हुई दिखाई देती है। यह है नया गोरखपुर, और उसी तर्ज पर हमें पूरे गोरखपुर का निर्माण करना है, हर गांव पंचायत को बनाना है, हर नगर निकाय को बनाना है, हर एक गांव को विकास किसी प्रक्रिया के साथ जोड़ना है। आज गांव गांव में ग्राम सचिवालय बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, गांव गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट लग रही है, गांव में एक एक रोजगार सेवक को दिया गया है, गांव के विकास की प्रक्रिया को और सरलीकरण करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायत को जोड़ने का कार्य हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य तमाम प्रकार के जो प्रमाण है सभी गांव में ही मिलेंगे, तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ब्लॉक के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, गांव में ये सारी सुविधा गांव के लोगों को प्राप्त होगी। बीसी सखी के माध्यम से बैंक की सुविधा गांव में ही प्राप्त हो रही है। ये तमाम कार्यक्रम जब आज गांव में विकास की नई आधुनिक तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, अब हमारा प्रयास होना चाहिए हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबन की ओर